lift the hand. So accordingly मैं तेलुगु या इंग्लिश में उन लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. बेसिकली जो भी इनक्यूरेबल दिस हेल्थ डिसऑर्डर्स है उसके लिए हम लोग एड्रेस करेंगे. एंड भले मेन टॉपिक इज फॉर द लंग रिलेटेड डिसीजेस, बट अदर डिसीजेस का भी आप लोगों प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इस मतलब पीयर लर्निंग वर्कशॉप में पेशेंट्स भी है एंड प्लस डॉक्टर्स भी है एंड जो फील्ड लेवल मार्केटिंग करता है सो उन मार्केटिंग भी है. सो काइंडली आप लोगों मतलब अपना मतलब माइक को म्यूट कर दीजिए. सो फर्स्ट मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा दूंगा. सो देयर आफ्टर जो डिसीज वाइज प्रिस्क्रिप्शन में ओपन कर दूंगा, उस प्रिस्क्रिप्शन में मतलब सप्लीमेंट एडवाइस शीट में क्या क्या लिखा है. सर्टन थिंग्स आर सेम एंड सर्टन थिंग्स आर यू नो वेरिएबल्स भी है उसमें, आप लोगों को मतलब ये आ जाएगा, मालूम हो जाएगा. एंड सी इधर पावर ऑफ आयुर्वेदा फॉर ट्रीटिंग पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, और इसमें विथ टेस्टिमोनियल्स भी मैं आप लोगों को मैं दिखा दूंगा. 30 साल तक मतलब कैसा कैसा इन लोगों मतलब प्रॉब्लम में थे, और उन लोगों प्रॉब्लम्स है मुक्त हुआ है. सो इस संदर्भ में आप लोगों देख सकता है. एंड नाउ पहले उनको एडमिट करने के लिए बोल दीजिए जो आता है ऑटोमेटिकली सौरभ जी को, ताकि ओके कर. एंड ये लंग अगेन मैं एक आम भाषा में ही मैं आप लोग एक्सप्लेन करेंगे लंग कितना इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम मैं हार्ट के बारे में आप लोगों को जो एक्सप्लेन की गई थी, सो उसी तरफ से मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. देखिए ये हार्ट एंड लंग्स ऐसा पिक्चर है कि इट इज लाइक ए टू फेसेस ऑफ द सिंगल कॉइन. मतलब कैसा मतलब घर में पति पत्नी कैसा मतलब उसमें कुछ भी डिफरेंस रहे तो घर कैसा ठीक से नहीं चलेगा. सो सेम इसमें आप लोगों इमेजिन कर सकता है. इसमें क्या है कि कभी कभी डॉक्टर से एक मतलब इक्विपमेंट लगा करके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक करता है. सो मतलब इसका कैसा है क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी हमारा बॉडी है, सो बॉडी में मोर देन 78 ऑर्गन्स है. एंड इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक रिसर्च आर्टिकल में एक एक नंबर्स दिया जा रहा है, सो इसलिए मोर देन 78. एंड इसमें मेन ऑर्गन या ऑर्गन्स मैं कह सकता हूं हार्ट नंबर वन है, सेकेंड इज लंग्स है. सो कैसा मतलब हार्ट जो है बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन करता है. अच्छा ब्लड का मीनिंग है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सोर्स से लेकर के कैरी करके थ्रू आर्टरीज सेल पर छोड़ता है. अगेन आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटी उधर जो उत्पत्ति होता है मतलब
after post metabolic activity carbon dioxide और टॉक्सिस जो डेवलपमेंट होता है इसको ऑटोमेटिकली थ्रू वेन्स अगेन वापस ले करके टॉक्सिन्स को किडनी का तरफ से छोड़ता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू राइट वेंट्रिकल इधर हार्ट में आकर के बाद में लंग्स जा करके अगेन लंग्स में जो बाहर एक्सलेशन में बाहर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन इनहेल होता है अगेन उसी प्रक्रिया में राइट वेंट्रिकल से थ्रू आर्टरीज अगेन पास ऑन होता है ये सर्कुलेशन है. सो इसमें एक बार लंग डैमेज हुआ तो सो ऑटोमेटिकली मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. सो ऑक्सीजन का क्या मतलब वैल्यू है आपको सबको मालूम है बट अगेन मैं कहूंगा अभी आप दीप जलाए तो अगेन दीप का ऊपर आप ग्लास रख दीजिए सो उसको देखते देखते दीप खत्म हो जाता है मतलब नहीं जला सकता है. सो लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं देख सकता है बट वो ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट है. उसको लेमैन लैंग्वेज में कहे तो ऑक्सीजन बेसिकली बर्निंग द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. सो इसलिए विदाउट ऑक्सीजन भी न्यूट्रिएंट्स का कोई वैल्यू नहीं है. इसलिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए कि प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है सो आप इमेजिन नहीं कर सकता है. प्राणायाम एटलीस्ट हाफ एन आवर करे तो कभी भी उनको कोई बीमारी नहीं आएगा. सो प्राणायाम में बहुत प्राणायाम है और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भस्त्रिका एंड अनुलोम विलोम इवन कपालभाति आल्सो. कपालभाति जो आपका मतलब हेयर को हिट करना है मतलब पेट मतलब नेवल पोर्शन का एरिया में. सो बीपी वाला कपालभाति करे तो प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए नॉन बीपी वाला कपालभाति करे तो इवन एंटायर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए मसाज भी हो जाता है एंड बॉडी ऐसा आता है यू कैनॉट इमेजिन इवन स्वेट आ जाता है. सो दूसरा जो आदमी का बीपी नहीं है वो भस्त्रिका. भस्त्रिका क्या है कि स्लोली इनहेल करना एंड स्लोली एक्सेल करना. सो उसको हम लोग काउंट करें तो देन बोर नहीं होता है. काउंट ना करें तो बोर हो जाता है. लगता है कि मैं बहुत समय किया है कि बोर हो रहा है. अब काउंट करते से 40 सेट्स करना ही है. सो ऑटोमेटिकली 40 सेट करने के तक आपका माइंड अटेंशन रहता है. अब उस समय पर क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली दैट यू नो टाइम जो है आप कब मतलब 20 मिनट पार होता है आपको पता नहीं चलता है. सो इसलिए काउंट लेना और छोड़ना एक काउंट है. सो लाइक दैट 40 काउंट्स कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. 10 काउंट्स करना है. 10 के बाद में एक हुआ, 20 के बारे में दो हुआ, 30 के बारे में तीन हुआ, 40 के बारे में चार हुआ. चार काउंट करे तो दैट मीन्स 46 हो गया. सो जो भी कि कुछ भी बीपी हो सो यू कैनॉट इमेजिन दैट बीपी कैन बी 100% एरेडिकेटेड. एंड सिमिलरली उसी पर्टिकुलर पीरियड में जब आपका अटेंशन काउंटिंग में है सो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है कि लाइक मेडिटेशन. सो इसलिए कि प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जब पहले बोर हो जाए क्यों प्राणायाम करना है ये बेकार है बैठ करके. हाँ. हमारा स्वेट नहीं आता है. स्वेट आए तो ही एक्सरसाइज हो जाता है. ये सारे एक मिथ है. लेकिन ये जो है प्राणायाम करे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए मेडिटेशन. सिमिलरली क्या है कि अनुलोम विलोम. अनुलोम क्या है लेफ्ट नॉस्ट्रिल में लेना धीरे 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 राइट में छोड़ना है. अगेन राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना है कंफर्टेबली. सो देन ऑटोमेटिकली वो एक सेट होता है. सो ऐसा 20 सेट करने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगता है कि ये
सारे चीज मैं कैलकुलेट करके ही मैं इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक मिथ है, क्या क्या डिसीज है, कैसा कैसा है, मैं आपको बताएंगे, क्योंकि टॉप मोस्ट डॉक्टर्स भी है, सो आप लोगों को भी आश्चर्य लगेगा क्या रियली ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप देखें तो पेशेंट्स को ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता है कि क्या मतलब ये हमारा आयुर्वेदा एंड हमारा हर्बल का पावर है। नाउ सी, ये सबको मालूम है एक्चुअली, इन कोई भी फिल्म देखे तो सो टोबैको यूज करे तो कैसा टार एक्यूमुलेशन होता है, ऐसा लेमैन लैंग्वेज में दिखाता है, एंड उसमें ये लंग डिसीज का अलावे कैंसर कैसा आएगा वो भी दिखाता है, बट स्टिल हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसको हम लोगों छोड़ देना है, एंड वही मेन इंपॉर्टेंट है लंग्स का प्रॉब्लम के लिए। एंड ऐसा ऐसा लंग डिसीजेस मैं आपको बताएंगे, ILD, COPD, ये जो कुछ लोगों को डॉक्टर्स रिजेक्ट कर दिया था, मैं वो पेशेंट्स इधर ऊटी में है लगभग 4 साल पहले, सो डॉक्टर्स छोड़ दिया था उनको, मतलब 100% जिंदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ठीक हो गया है। फर्स्ट क्या है कि इसको छोड़ दिया, मतलब स्मोकिंग को, और जो मैं कहा उसको 100% फॉलो किया, एंड उसके बाद में धीरे 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 उनका जो भी ऑक्सीजन आर्टिफिशियल लेता था उसको डॉक्टर स्टेप बाय स्टेप उसको कम करके बाद में यस कम आउट फ्रॉम दैट, यू नो आर्टिफिशियल जो इनहेलेशन के लिए जो दिया था उसका जो। सो नाउ कॉमन पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, आस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर डिसीज, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। सो इसमें क्या है कि ILD रहे तो एक बार लंग्स के ऊपर स्कार हुआ तो, मतलब फाइब्रोसिस हुआ तो, सो 100% ठीक नहीं होगा ऐसा हमारा मेडिकल साइंस अभी कहता है। एंड इतना पेशेंट्स को मैं देखा है कि बाद में डॉक्टर्स को भी आश्चर्य लगा कि कैसे मतलब इसको चेंज हो रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर यू नो आयुर्वेदा। एंड प्लस बेसिकली इधर क्या है, हम एलोपैथिक साइंस के साथ में ब्लेंड करने की वजह से हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो रिजल्ट्स आ रहा है। सो कैसा एलोपैथिक प्रिंसिपल्स के साथ में ब्लेंड किया गया है, ये जो लिग्नेंस का इंटेक थ्रू द फ्लैक्स डाइट एंड उसके बाद में ओमेगा 3 ओमेगा 6 का इंटेक, ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 का इंटेक एंड लिग्नेंस का इंटेक इसके साथ में मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब रिजल्ट्स आएगा। सो इसमें क्या है कि एक चीज होता है, जो भी लंग्स का प्रॉब्लम है वो कर लिए तो ये, क्योंकि फ्लैक्स डाइट में कर्ड कंपल्सरी है क्योंकि ऑयल्स को वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट करने के लिए, एंड किसी किसी को मतलब वो जो कर्ड यूज करे तो और थोड़ा ज्यादा रिएक्शन हुआ तो कर्ड यूज करने का जरूरत नहीं, उसका जगह में पनीर यूज कर सकता है। पनीर का मतलब हमारा कंट्री चीज, ऐसा नहीं दूसरा जो प्रोसेस्ड चीज यूज नहीं करना है, वो पनीर यूज करके पनीर 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें फ्लैक्स डाइट में मिक्स करे तो देन ऑटोमेटिकली वो जो ऑयल्स वाटर सॉल्युबल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट मिलेगा। एंड कभी कभी उन लोगों को वो नहीं हो सकता है, मतलब पनीर भी अलर्जिक है और ये भी अलर्जिक है, मतलब दही भी, मतलब बोथ कर्ड एंड दिस पनीर, सो इन दैट केस उन लोगों स्ट्राइट मतलब हॉट वाटर में ये सबको मिक्स करके जो भी फ्लैक्स डाइट में अभी 2 मिनट दिखा दूंगा, सो उसको यूज करे तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मतलब आपको इमेजिन नहीं कर सकता है। एंड एस्पेशली आस्थमा,
आस्थमा, जो आस्थमा पेशेंट से खुद उन्हीं लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ये कैसा आस्थमा 20 साल 30 साल का क्लियर हुआ इस तरफ से। देन सो लंग्स के बारे में ऑलरेडी मैं कह दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसा ब्रीथिंग होता है, जो आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन होता है, सो एक्सेल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ये चीज है। एंड मिरेकल ड्रिंक्स कैसा काम करता है हर लेक्चर में देता हूं। प्रोबेबली डॉर्मेंट स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट किया जा रहा है ऐसा मैं कह सकता हूं। एंड प्लस निश्चित रूप से सेल रीजनरेशन हो रहा है दैट लंग्स का सेल। सो नहीं तो जो मतलब स्कार है, मतलब गाय हुआ है उसका ऊपर, लंग्स का ऊपर, उसको हम लोगों फाइब्रोसिस जो कहता है कि वो क्लियर हो रहा है, मतलब 100% उसका रीजनरेशन हो रहा है ऐसा हम लोगों कह सकता है। एंड थर्डली कोई भी ऑर्गन हो, आपको मालूम है सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स आर टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूस आर ऑर्गन्स। सो नाउ लंग्स भी ऑर्गन है, सो नेचुरली उस सेल में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कराना इंपॉर्टेंट है। एंड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन उसका न्यूट्रिएंट्स जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करे तो उस पर्टिकुलर सेल्स के लिए, सो ऑटोमेटिकली वो सेल रीजनरेशन होगा। सो वही मतलब प्रिंसिपल्स इसमें इसके साथ में है। सो अभी मैं इसका जो डिटेल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को मैं कॉल करके मैं दिखा दूंगा। सो मॉर्निंग क्या लेना, आफ्टरनून क्या लेना, इवनिंग क्या लेना, एंड अकॉर्डिंगली हर इसमें आस्थमा के लिए वेरी सिंपल है, लेकिन वो आईएलडी और अदर क्रॉनिक डिसीजेस जो होता है वहाँ उनका मतलब हर मोमेंट में दम आता है एंड हर मोमेंट में उनको जो आर्टिफिशियली ऑक्सीजन लिया जा सकता है उसमें क्या प्रोटोकॉल होगा मैं उसको आप लोगों को दिखा दूंगा। पहले मैं फ्लैक्स डाइट में दिखा दूंगा, बहुत आदमी नया भी है, सो फ्लैक्स डाइट वंस यू गो थ्रू इट उसमें क्या क्या करना है मैं उसको मैं ये बता दूंगा। ये पल्मोनरी डिसऑर्डर में पर्टिकुलरली दही का जगह में कैसा ये यूज करना, ये सारे चीज। एंड इसमें प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ओके। मेरे को ट्राई करना है, सो अभी आप लोगों जाइए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में यह आ जाएंगे। एंड अगेन आपको मालूम है अभी कोविड में जो इन्फेक्शन फर्स्ट जो है लंग्स का ही इन्फेक्शन होकर के एंटायर यू नो पूरा मतलब बॉडी को ये जो खत्म कर देता है, सो इसलिए आस्थमा जस्ट हम लोग आस्थमा में क्लिक करेंगे। आस्थमा में इंग्लिश भी खोल सकता है, हिंदी भी खोल सकता है एंड तेलुगु का भी है, तेलुगु भी खोल सकता है। सो नाउ लेट अस ओपन हिंदी एंड तेलुगु यू नो पर्सन्स दे कैन ओपन इंग्लिश और तेलुगु उसको देख सकता है। एंड आफ्टर लेक्चर में आज आई विल गिव यू मोर टाइम फॉर डिस्कशंस, सो कोई भी इश्यूज रहे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर आंध्र प्रदेश आई विल गिव यू इन तेलुगु ओनली,
So no problem. And for Kannada, Karnataka people for Kannada. See, a very simple treatment is me anti-aging afternoon, morning and afternoon renal care and evening immune care. ये 2014 में फर्स्ट पेशेंट हैदराबाद का एक अग्रवाल फैमिली है, उन लोगों का जो रिलेटिव्स पटना में है एंड उन लोगों हमको कहा था उसी समय पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लंग्स का ऊपर की गई थी एंड वो इनहेलर एट द एज ऑफ 7 या 6 एज में शुरू हुआ था. उसको जो है 14 साल में भी वो ले रहा था उसका जो है ये करने के लिए कभी भी मतलब दम ये करे तो. एंड वो आदमी 2 सप्ताह में ही छोड़ दिया उसको एंड उसका बाद में ट्रीट हम करने लगे एंड उसका बाद में बहुत आदमी को मतलब अक्यूट लंग डिजीजेस को भी शुरू किए. देन धीरे 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 अदर प्रोटोकॉल्स में ऐड करने लगे. सो नाउ लिटरली स्पीकिंग इवन थोड़ा भी काम कर रहा है तो मतलब लंग्स सो ऑटोमेटिकली उनके लिए मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब अमृत हो जाएगा ये प्रोटोकॉल. इसलिए बहुत आदमी मतलब लाइफ में जो सोचा है कि मैं लाइफ लॉन्ग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ भी जाना है वो कैरी करना है इस तरफ से लगता है. और आई डोंट नो हमारा इस मीटिंग में वन मिस्टर विक्रम क्षत्रिया इज फ्रॉम क्षत्रिया जी है फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड यूज टू कैरी द मशीन सो ऑलवेज वो जेंटलमैन आई थिंक 20 डेज या 1 महीना में छोड़ दिया मशीन कैरी करने का. सो आई डोंट नो वेदर इज देयर आर नॉट टुडे. सो लेकिन वही राय तो वो खुद बताएगा कैसा कैसा मतलब ये हुआ. सी इसमें एक मतलब मन में आएगा क्या इतना चीज में करना है ये मन में आएगा. ये जरूरी नहीं है. नीम का भी लेना है, प्रीबायोटिक का भी लेना है, फ्लैक्स डाइट लेना है, फर्मेंटेड राइस लेना है, ये जरूरी नहीं है. लेकिन वो लिए तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आएगा एंड फास्ट आएगा. नहीं लिए तो भी रिजल्ट्स आएगा एंड ये आपका मतलब मन में रखिए. बिकॉज कभी कभी क्या होता है मैं जब ये स्टडी किया एक्सपेरिमेंट किया उस समय पर ये सारे जो भी मतलब मैं डिफाइन किया है प्राणायाम या फ्लैक्स डाइट या नीम और पीपल का पत्ता या बनाना स्टेम जूस या फर्मेंटेड राइस में नहीं दिए थे. सो बाद में धीरे 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 एक एक इसलिए ऐड किया कि लाइफ टाइम उन लोगों को कोई बीमारी ना आए एंड अपना बॉडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब स्ट्रांग हो एंड हर बीमारी के लिए प्रिवेंटिव जैसा हो ये सोच करके ये बनाए थे. सो इसलिए मन में ये होता है कि इतना कौन लेगा. सो ऐसा कोई ये नहीं है बट डाइट में ध्यान रखना है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नीम और पीपल ताजा पत्ता का रस कैसे बनाना मिले तो 8 नीम का पत्ता और 3 या 4 इसका जो पत्ता ग्राइंड करके 1 चम्मच रस निकाल करके सुबह और शाम को लेना है खाली पेट में. सो बाय चांस नहीं मिले तो कोई जरूरत नहीं और उस पत्ता को लेकर के फ्रिज में रख करके भी कर सकता है. लेकिन एक ही बार बना करके 1 सप्ताह तक पीना अच्छा नहीं है. सो पिए तो भी अच्छा हो लेकिन फ्रेश रहे तो अच्छा में माना जा सकता है. एंड ओनली एंटी एजिंग सो 15 ml. सो नेक्स्ट प्रीबायोटिक. प्रीबायोटिक्स का ऑलरेडी मैं हर सेशन में कहता हूं. अभी मान लीजिए लंग्स के लिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है पोषकांश को. तो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स अभी साइंस में कहता है मेडिकल साइंस में पर्टिकुलर XYZ जो भी हो लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स देने के बावजूद क्यों ऐसा ILD हो या अदर टाइप ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो COPD वगैरह जो है क्यों मतलब उससे मतलब
पार नहीं होता है, लगातार लाइफ टाइम कैरी होता है वो डिसऑर्डर्स। इसलिए है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। वो न्यूट्रिएंट्स के लिए अपना गट इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स माँ से हजारों साल से आया हुआ है उसको रेगुलेट करने के लिए उसका फूड है, मतलब उसका खुराक है, एंड उसका आहार लहसुन 3 कली अदरक ये मेथी 1 चम्मच खाए तो ऑटोमेटिकली वो पेट ठीक होता है। दैट मीन्स दैट एंटायर यू नो गट सिस्टम ठीक हो करके काम जब करेगा सो ऑटोमेटिकली उसका एंजाइम जो रिलीज करेगा दैट अननोन न्यूट्रिएंट्स जो गॉड गिवन फूड में है वो रिलीज हो करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए सप्लाई कर रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई ये जो प्रीबायोटिक हर आदमी लेना है, बीमारी हो या ना हो, अपना घर का है। सो दूसरा, अभी आपको मालूम है कोविड में बॉडी का इम्यून सिस्टम एनहांस करने के लिए लहसुन और अदरक कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी प्रचार प्रसार कर रहा है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी मन होता है लहसुन बहुत मतलब ये है खाने में कठिनाई है, स्मेल आता है, स्मेल ऐसा नहीं आता है, हम भी खा रहा हूँ लगभग मोर देन ऑलमोस्ट 2010 से। सो ऐसा नहीं कि स्मेल आप जो है खा करके मुंह वॉश करे तो स्मेल नहीं आएगा, और थोड़ा खाने में कठिनाई रहे तो पानी रखना उसको पी लेना, नहीं तो कूट करके बॉल बनाना मतलब गोली जैसा स्वालो करना है। एंड आप इमेजिन कर सकता है रिसेंटली मैं एक किडनी पेशेंट को मैं इंटर किया, ही इज फ्रॉम बैंगलोर ओनली। वो कहा कि सर हम लोगों ब्राह्मीण फैमिली में हम लोगों लहसुन नहीं खाता है, लेकिन अभी किडनी प्रॉब्लम है इसलिए खाना ही है, ऐसा मैं शुरू किए, मैं अभी आराम से खा रहा हूँ। और उनको 1 महीने में ही 4.5 किलो फ्रॉम 1 डायलिसिस टू अनदर डायलिसिस जो वेट इंक्रीज को हो रहा था वो 50% डाउन हुआ है, बट ही हैज नॉट गॉट टेस्टेड क्रिएटिनिन। वो चाहता है कि सेकेंड मंथ में ही टेस्ट करके नॉर्मल रहे तो उनका यूरिन वगैरह फ्लो अच्छा है, सो मैं छोड़ दूंगा डायलिसिस ऐसा। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीबायोटिक। आपको और नया लोगो है इसमें, इसलिए मैं आपको बताएंगे अमेरिका में सर्टन इनक्यूरेबल हेल्थ डिसीज के लिए अमेजॉन एरिया का जो मतलब ट्राइबल्स का पॉटी मतलब फीकल मटेरियल्स को प्रोसेस करके कैप्सूल में देता है ताकि गट सिस्टम में अच्छा माइक्रोब्स जो मर गया है वो और चाहिए, सो उसको मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए ये करता है, मतलब उतना इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग घर में ही प्रोबायोटिक है, उसको प्रोबायोटिक बोलता है, एडिंग एडिशनल माइक्रोब्स इन टू द गट सिस्टम। और उसमें हमारा जो घर में है कर्ड दही और अचार मतलब पिकल, पिकल में भी मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है बेनिफिशियल माइक्रोब्स, और चीज में भी है। सो घर में जो पिकल भी थोड़ा 1 बूंद 2 बूंद खाने के साथ में लिए तो भी आपका जो है माइक्रोब्स एनरिच हो जाता है इसमें। नेक्स्ट जो है आपका तीसी, बिहार में कहता है अलसी, अन्य स्टेट में करता है, एंड इन तेलुगु अवसी गिंजलू कहता है, इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहता है, इसको सुपर फूड कहता है। क्यों सुपर फूड कहता है कि इसमें 1 चम्मच बीज भी मतलब प्रॉपर वे हम लोगों उसका डाइट प्रिपेयर करके हम लोगों खाए तो 50 किलो मूंगफली या 6 किलो कैशनट मीन्स मूंगफली मीन्स पीनट्स एंड या 1 किलो फिश में कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 एंड लिग्निन से उतना है। और आप इमेजिन कर सकता है 1 चम्मच बीज घर में ही है उसको क्यों हम लोगों बना नहीं बना सकता है। सो जब एंटायर ऑर्गन्स का मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट हुआ तो बॉडी इम्यून ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ऑटोमेटिकली कोविड का जो है जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगा अपना घर में ही जो है उसको ये करके इसको बॉडी का इम्यूनिटी एनहांसमेंट कर सकता है। एंड प्लस इम्यून केयर भी हम लोगों डेवलप किया गया है, वो बेसिकली कैंसर के लिए किए थे, अल्टीमेटली सरकार उसको कैंसर का
नाम नहीं दिया एंटी कैंसर ड्रग, सो उसको अल्टीमेटली इम्यून दिया, और इम्यून की वजह से अभी इवन कॉफ आए तो या फीवरिश आए तो सिर्फ 15 ml मॉर्निंग, 15 ml आफ्टरनून, 15 ml इवनिंग लिए तो पैरासिटामोल लेने की जरूरत नहीं। एंड आप इतना हद तक वो काम करता है, पिंपल में कुछ गाय हुआ तो इम्यून कर लेकर के उसके ऊपर जो स्मेयर करे तो वो गाय डिसअपीयर हो जाता है, मतलब इतना पावरफुल है वो इम्यून के। एंड उसमें अभी अलसी फ्लैक्स डाइट का में पावरफुल क्या है मैं आपको बताया। कभी कभी क्या होता है, घर का मुर्गी दाल का समान ऐसा हम लोगों सोच लेता है। सो जो भी हम लोगों का ह्यूमनिटी डेवलपमेंट करने के लिए कोई मतलब ऐसा चीज नहीं खा सकता है, अपना घर में ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो अभी बहुत आदमी नया भी हो सकता है इसमें, फ्लैक्स डाइट को मैं दिखा दूंगा। सो ताकि उसमें क्या क्या स्टेप में क्या करेक्शंस कैसा ये करना मैं आपको बता दूंगा। इसमें कहा है न्यू टैब का ओके यूट्यूब उस पे क्लिक कर दीजिए इधर पे। हाँ टाइप कर दे मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स हिंदी इंग्लिश में भी है, आप लोग इंग्लिश में भी टाइप करें तो इंग्लिश आ जाता है। इसमें कुछ लोगों को बोर भी हो सकता है, क्यों बार बार दिखा रहा है, हमारा दिखाने का मकसद यही है अपना घर में ही है अमृत, क्यों हम लोगों बना करके नहीं ले सकता है। कभी भी जिंदगी में आपका घर में कैंसर नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं होगी एंड कोई भी बीमारी नहीं आएगा, मतलब ये प्रिवेंटिव मेजर है। ये हमारा बच्चा को 2010 में जब ब्लड कैंसर आया हुआ था, अभी ऑफ कोर्स गॉड्स ग्रेस एलोपैथिक मेडिसिन का साथ साथ में हमारा मेडिसिन और फ्लैक्स रेट का वजह से स्पीडली रिकवरी हुआ, अच्छा हो गया। अभी ऑलमोस्ट 2010 का मतलब 10 साल हो गया, सो 100% क्यूर हो गया। सो इसलिए मैं सबको मैं कहता हूं कि जिंदगी में क्या है कि एक अच्छा चीज भी आप लोगों सबको प्रचार करना है। एनीवे मिरेकल ड्रिंक्स सारे चीज सब लोगों डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर रहा है, हमारा जो ये बिजनेस लीडर्स वगैरह उसको सेल भी कर रहा है, साथ साथ में जो घर का भी क्या क्या रेमेडीज है इसको भी कहे तो मतलब बहुत आदमी को मतलब बेनिफिट होगा। इसलिए नमस्ते, आज मैं मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक अलसी ड्रिंक को दिखा रही हूं कैसे बनाना। तो ये अलसी नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह में सब जगह में मिलता है। दो तीन पॉइंट हम लोग याद रखना है ये अलसी ड्रिंक बनाने से पहले, इसको क्या क्या करना है। वन थिंग इज अबाउट अलसी, अलसी में मैक्सिमम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, लिग्नन्स है, म्यूसिलेज गम्स है। ये इतना हेल्थी ड्रिंक है, ये दुनिया का सबसे फर्स्ट में है, ये सुपर फूड है। तो इसको लाने के बाद कभी इसको पानी में साफ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सो ये लाने के बाद क्या करना है, एक तौलिया में उसको पोंछ करके डिब्बा में भर करके रखना है। सेकेंड पॉइंट इज इसको कभी गर्म नहीं करना है। एंड द थर्ड वन इज इसको पाउडर बना करके नहीं रखना है। ये तीन पॉइंट्स याद रखना है, क्यों इसको पाउडर नहीं करना है या गर्म नहीं। देखिए इसमें क्या है कि बहुत आदमी को आलस है, सो हम लोगों पाउडर बना करके मिक्स करके खाएंगे,
और क्यों अननेसेसरी समय बर्बाद होना। सो ये सारा चीज, कोई भी चाय बना करके पी सकता है या कॉफी बना करके पी सकता है। ऑफ कोर्स आजकल इवन चाय भी आ गया है, रेडीमेड पोच में आपको सॉरी बॉटल्स में मिलता है, कॉफी भी मिलता है, बट स्टिल घर में हम लोगों कभी भी कॉफी या चाय बना करके फ्रिज में रख करके बाद में गर्म करके नहीं पीता है। सो इसलिए जब आपका स्वास्थ्य के लिए आप 5 मिनट स्पेयर करें तो सो कितना अच्छा होता है आप इमेजिन कीजिए। करना है बिकॉज जन कभी भी कैंसर 100% नहीं आएगा, मैं ये कह सकता हूं, बिकॉज जोहाना बडविग थियरी ये है। जोहाना बडविग जो है जर्मन लेडी है, मोर देन 45 ईयर्स इसका कैंसर पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करके इसको डेवलप किया गया है। जब हमारा बच्चे को जब कैंसर हुआ था उस समय पर हम लोगों इसको अडॉप्ट की गई। सो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है ये। वो रैंसिड हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये अलसी ड्रिंक और अलसी मट्ठा कैसे बनाना मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी ये मशीन मान लीजिए गांव में नहीं है और कुछ गरीब लोगों का ये नहीं है, कुछ नहीं, जो ये जो मतलब पत्थर का ऊपर जो पत्थर में जो मसाला जो ये करता है उसी तरफ से एक चम्मच बीज लगाया, सो ये किया और उसका बाद में दही में या मट्टा में बढ़िया से मतलब मिक्स किया खा लिया। सो नहीं तो मान लीजिए वो भी नहीं हो सक रहा है तो भी सिर्फ में रायपुर में एक पेशेंट हम देखा है, उनके घर में कोई नहीं मतलब बनाने वाला, सो आराम से एक चम्मच बीज वो लेता था मतलब ये करके चुआ करके वो खा लेता था सुबह और शाम को, उनको भी एक्स्ट्रॉडिनरी रिजल्ट आया। इसको आप लोगों देख सकता है बाद में इसको, क्योंकि आप लोगों का कीमती समय आई डोंट वांट टू वेस्ट। सो देन और उसका बाद में ध्यान क्या रखना है, समय होगा संकेतिक है, आहार कैसा रहना चाहिए, कम नमक बिना तेल का भोजन, कम चीनी, क्योंकि जो आदमी शुगर लेता है शुगर है या नहीं इमेटेरियल, सो ऑटोमेटिकली बॉडी एसिडिक होता है, सो एसिडिक की वजह से हर बीमारी को प्रून हो जाता है, मतलब उसका जो ये हो जाता है एंड सभी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर एसिडिक नेचर का वजह से आता है। इसलिए कैंसर पेशेंट्स कभी भी मतलब चीनी स्वीट्स नहीं लेने के लिए कहता है, प्लस जंक फूड वगैरह। देन अलसी पेय कैसा बनाना ये है, नीम पत्ता कैसा बनाना इसमें है, एंड उसका बाद में फर्मेंटेड चावल कैसा बनाना है, केला का तने का रस कैसा बनाना, और बहुत आदमी कहा किडनी के लिए आप लोगों वाटर फ्राइड मतलब पानी में मछली या मशरूम फ्राई करने के लिए आप सजेस्ट करता है, अन्य बीमारी के लिए क्यों नहीं है, वो भी सेल है वो भी ऑर्गन है। देन उसके बाद में मैं इसको ऐड किया, लेकिन हमारा कहना है कि इतना करने का कोई औचित नहीं, लेकिन पेशेंट ऐसा सीरियस रहे तो सब करे तो रिजल्ट फास्ट आ सकता है। सो यही है एंड अनुलोम विलोमा एंड भस्त्रिका कैसा ये करना कितना सेट करना ये सारे चीज हम लिखा है। सो देन विल गोइंग टू अदर डिसीजेस, अदर क्या क्या है, पलमनरी का वीजिंग है, अक्यूट लंग डिसीज है, और एनी ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्रांकाइटिस, फीवर एंड कोल्ड कॉफ एंड ILD। सो ऑलमोस्ट मेन हम लोग ले लेंगे अक्यूट पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। सो वो लिए तो वही ट्रीटमेंट मतलब ऑलमोस्ट सब के लिए, सो उसी को हम ले लेंगे। एंड इसमें बोलेंगे देखिए, और ये जो डिसीज में सो अधिक लाभ मतलब ये लिए तो ये ध्यान में रहना चाहिए, किसी को डायबिटीज रहे तो बीपी रहे तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाता है, और इंसुलिन में रहे तो या टैबलेट्स में रहे तो उसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है, बीपी भी ये हो जाता है, गैंग्रीन या स्ट्रोक या उनका जो लिवर का समस्या रहे तो किडनी स्टोन रहे तो और
लीवर का मतलब फैटी लीवर आए तो वो सारे फैटी लीवर भी नहीं रहेगा। मतलब ये जस्ट लाइक यू नो लंग्स के लिए आप ट्रीट करें तो ऑटोमेटिकली आपका मन में रखिए हार्ट का भी ट्रीटमेंट हो गया एंड लीवर का भी ट्रीटमेंट हो गया, किडनी स्टोन्स का भी ट्रीटमेंट हो गया। वो किडनी में क्रिएटिनिन भी रहे तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो जाता है। सो मतलब इट इज जस्ट लाइक यू नो मल्टीपल इफेक्ट है इसमें। अगेन इसमें आप प्रश्न मन में आएगा कि क्या इतना मतलब इसमें भी करना है, मतलब जो मॉर्निंग ये करना वो करना ये सारे चीज। सो इसमें मैं ये नीम पीपल एंड नीम का नहीं लाया, मसाला पेय रखा है। सो मतलब स्पाइस ड्रिंक। सो स्पाइस ड्रिंक कैसा करना है सो उसको आपको मतलब इसमें देख सकता है। एंड ये जो मतलब ये जो इसमें ट्रीटमेंट में जा करके ओम रेमेडीज क्लिक करें तो स्पाइस ड्रिंक कैसे बनाना, स्पाइस ड्रिंक कैसे बनना ये आपको मैं बता दूंगा। कुछ नहीं, अदरक थोड़ा, गुड़ मीन्स जौगरी थोड़ा, एंड उसके बाद में लौंग मतलब क्लोव एंड सिनेमन मतलब दालचीनी एंड ब्लैक पेपर एंड थोड़ा इलायची कार्डमम, इसको कूट करके खुबाल करके खाड़ा जैसा बना करके डिकॉक्शन चाय जैसे पीना है। एंड यू कैनॉट इमेजिन कुछ भी क्रॉनिक कॉफ रहे तो कॉफ का मतलब केमिकली डेवलप्ड जो दवा है वो लेने की जरूरत नहीं। ये सारे चीज यू नो नेचुरल्स है एंड घर में ही है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। एंड आई डोंट नो इसमें मैं देख लूंगा वो मसाला पेय का रेसिपी लगाया नहीं लगाया है। सो नहीं लगाए तो आप नोट कर लीजिए मसाला पेय इसमें ऐड करना है। से है ओके ओके एनीवे स्पाइस ड्रिंक नहीं इसमें पर्टिकुलरली ये प्रोटोकॉल में। सो देन ये सुबह लेना और दोपहर में सुबह एंटी एजिंग लीवर सपोर्ट एंड रीनल केयर इसको 15-15 ml मिक्स करके लेना है। एंड फॉर बच्चे लोगों के लिए 7.5 ml इसको तीनों मिक्स करके बिना डाइल्यूशन भी पी सकता है, थोड़ा पानी लगा करके डाइल्यूशन कर सकता है। एंड बॉडी पूला रहे तो मतलब स्वेलिंग रहे तो वन शुड नॉट मिक्स दी वाटर। सो प्रीबायोटिक्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एंड फ्लैक्स डाइट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एंड आफ्टरनून कार्डियोवैस्कुलर सेम 15 ml एंड इवनिंग अगेन स्पाइस ड्रिंक एंड मसाला पे जो कहा है 1-4-5 ये। एंड क्या ध्यान में रहना आहार सेम थिंग व्हाट आई टोल्ड, फ्लैक्स ड्रिंक्स कैसा बनाना ये एंड इसमें स्पाइस ड्रिंक हमको डाउटफुल है कैसा ये करना इसका मैं कर दूंगा। लेकिन आप लोगों इसमें ये किताब है इसमें वो किताब खोले तो ट्रीटमेंट लिटरेचर उसमें रिसर्च आर्टिकल आप प्रेस करें तो 12 लैंग्वेजेस में है। एंड उसमें आप इंग्लिश हम खोलेंगे, इंग्लिश में आप खोल दीजिए एंड इंग्लिश में खोल करके एंड इसमें आप स्पाइस ड्रिंक का कौन सा पेज है इसमें देखिए स्पाइस ड्रिंक पेज नंबर 36 में है। सो पेज नंबर 36 गए तो आप ऑटोमेटिकली कैसा स्पाइस ड्रिंक बनाना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कॉफ, मामूली कॉफ आता है अभी स्पेशली कोविड के समय पर कोई आदमी कॉफ आए तो टेंशन हो जाता है कोविड हो क्या है ऐसा ऐसा।
सो इसलिए आप लोगों इसको लिए तो आई थिंक विद इन वन आवर आपका कफ क्लियर हो जाता है। ये सारे चीज हमारे ही ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया सालों से, इसलिए एंड देखिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सब इसमें लिखा है सारे चीज। मैं इंग्लिश में इसलिए दिखा रहा हूं, कुछ लोगों इंग्लिश मतलब चाहे देखिए ये स्पाइस ड्रिंक कोल्ड एंड कॉफ में ब्रैकेट में लिखा है। इंग्रेडिएंट्स ब्लैक पेपर मींस काला मिर्च, क्लोव्स मींस दाल ये लौंग, सिनेमन दालचीनी, कार्डमम इलायची, जिंजर मतलब अदरक, जागरी गुड़ एंड गुड़ और वाटर, उसको उबाल करके पहले कोसली पाउंड करना, कूट करके देन उसको जो पानी मिला करके बॉयल करना, उसका बाद में उसको लेना है एज ए चाय। सो ऑटोमेटिकली आपका मतलब बहुत बढ़िया मतलब रिलीफ मिल जाएगा। सो यही चीज है मतलब अभी हम लोगों कोई क्वेश्चंस रहे तो अभी मिस्टर बाय चांस ये विक्रम जी रहे तो आप अपना एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोगों कोई क्वेश्चंस रहे तो आप लोग पूछ लीजिए। सो लेट अस यू नो डिस्कस ऑन दी डिफरेंट डिसीजेस इवन लंग्स का अलावे, एंड एक लंग्स का भी एक इसको दिखा दूंगा। लंग्स का जो है मिरेकल ड्रिंक्स अस्थमा You know, people say live-in relationships require no commitment. That's ridiculous. The friction we face from एंड ये कन्नड़ में है लेकिन इंग्लिश में जो टाइटल्स आ रहा है देखो। सर स्क्रीन शेयर नहीं है स्क्रीन। ओके 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 सॉरी स्क्रीन शेयर ये नहीं है। ओके वन सेकेंड अभी आयुर्वेद निसंदेह एक स्वयं में जीवन दर्शन है। सो इस तरह से बहुत मतलब टेस्टिमोनियल्स हैं एंड कुछ लोगों फेसबुक में भी अपलोड हुआ है। सो यही चीज है।
सो अभी कोई भी क्वेश्चंस रहे तो काइंडली पूछ लीजिए। हाँ सर, माय सिस्टर इज अटेंडिंग पार्टिसिपेटिंग दिस मीटिंग टुडे फ्रॉम रतलाम सर मध्य प्रदेश। ओके वंडरफुल, शी हैज सम क्वेश्चंस। ओके पिता, हेलो सर, हेलो सर, नमस्ते सर, मैं रतलाम से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश रतलाम। सर मुझे अस्थमा है, ये कल 30 साल हो गए मुझे अस्थमा को। सर अस्थमा जैसे सांस को कम फूल मतलब कभी कभी फूलता है, लेकिन मुझे सर पता नहीं किस चीज से एलर्जी है क्या है, मैं सर्दी जुकाम से बहुत परेशान रहती हूँ सर, इतना ज्यादा छींक आना और नाक बहना, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें क्या लेना है ऑलरेडी मैं आपको मतलब बोल चुका है, एंड इसमें आईएलडी का ही ले लीजिए, ये वाला स्क्रीन शेयर नहीं, यस स्क्रीन शेयर करना। हाँ देख लीजिए, ये जो है ये प्रोटोकॉल ले लीजिए, ये सुबह क्या लेना, 1, 4, 5 सिंपली आप मेरेकल रिक्स में जाइए, जाकर के पल्मोनरी डिसऑर्डर जाइए एंड उसमें अक्यूट लंग डिसीज में जाइए एंड इसको यूज कीजिए एंड 10 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड 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 आपका मतलब कोई भी ये रहे तो मिस्टर सवान जी है एंड उनका नंबर मैं दे दूंगा 9108992566, उनको SMS कर दीजिए। सो ऑटोमेटिक रीता, हाँ रीता इज माय ओन सिस्टर, सर यंगर सिस्टर। ओके वंडरफुल, ग्रेट, 100% ठीक हो जाए, 100%। एंड मैं 100% नहीं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ सिंस आपका सिस्टर है, क्योंकि नहीं तो कुछ लोगों क्या 100% नहीं होता क्या होगा कभी, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एक्ट मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट कोई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इसलिए हम इन्वेंटर है एंड आपका ओन सिस्टर है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको इमेजिन नहीं कर सकता है मैडम, वन मिस्टर विक्रम क्षत्रिया जी आज नहीं आया है एंड ये आया था आई थिंक 2 साल पहले, वो ये कैरी करता था ऑक्सीजन मतलब मशीन, तो आप इमेजिन नहीं कर सकता है, 17 डेज टू 1 मंथ में क्लियर हो गए। अभी मतलब वो जो मिरेकल ड्रिंक्स का एंटायर नॉर्थ ईस्ट वगैरह वही दिखता है, हमको ठीक हुआ सबको मैं ठीक करूंगा इस तरफ से, अभी इमेजिन नहीं कर सकता। अभी आपका वीकनेस भी है आपका मतलब फिजिकली हम देखे तो सारे चीज मतलब 1 महीने के बाद में ये मीटिंग में आ जाइए आप ही को मालूम हो जाएगा, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मच, इसलिए। एंड इवन मैं पुणे गए थे, अभी ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ पटना, सो पूर्णिया में इमेजिन नहीं कर सकता है सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, वो इतना खुशी से हमको आपका भाई से ले लिया दवा, हमको कह रहा था इज अ कार्डियोलॉजिस्ट 70+ मिस्टर एस के जा या एस एन जा साहब है वो, एंड हमको रिंग करके क्या कहा था कि क्या सर ये हमारा मेडिकल साइंस को ही उल्टा कर रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है, इतना बढ़िया हमको हो रहा है। प्लस उनका दोस्त सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रिटायर्ड चीफ मैनेजर है, उनका हाईएस्ट शुगर लेवल था वो भी कंट्रोल हो गया, वो कह रहा था कि मैं एज एन एलोपैथिक सीनियर मोस्ट डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट मैं उनको ठीक नहीं कर सका, आपका मतलब ये ठीक हुआ, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यूर ब्रदर, सो उधर से तो ठीक है, थैंक यू। और कोई रहा है तो विक्रम कुमार जी ने रेज हैंड किया हुआ है। हाँ ठीक है विक्रम कुमार जी बताइए। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम सर, मैं जी सर हेलो, वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स निकला हुआ है सर, उसमें 2.5 साल हो गया सर, तो वहां पर जो है अंदर में कोई तकलीफ है सर, तो उसको जो है तनता है मतलब खींचता है। और थोड़ा रिपीट कीजिए, हमको फॉलो नहीं हुआ क्या बोल रहे थे, आवाज ठीक से नहीं आ रहा सर। मेरा फैमिली का बच्चादानी निकाला 2.5 साल पहले, तो उसमें से जो वहाँ रिपोर्ट में कहीं अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको जो है अंदर से जो है खिंचाई होता है सर पैर तक। ठीक है ठीक है,
आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर पूर्णिया से बोल रहा हूँ। ठीक है अरुण जी, ये न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर का प्रोटोकॉल देना है 137-45-137, 100% क्लियर हो जाएगा। और सर मुझे शुगर भी हो गया सर। हाँ उसी में कंट्रोल हो जाता है, 137 की जगह में 1 का जगह में 10 लगा दीजिए, 1 नहीं देना, सिर्फ 10-37-45-137, शुगर भी ठीक हो जाएगा, खिंचाव भी ठीक हो जाएगा, एंड ये भी बीपी रहे तो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई? सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। नमस्ते, विकास बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। हाँ विकास बताइए कैसे है आप? मेरे पास डॉक्टर देवी प्रसाद पात्र है। एक बार बैठे हैं, देखिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, हाउ आर यू डॉक्टर साहब? आपका भारत एक बार चर्चा की गई था विकास जी। अच्छा जी सर, और एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल है साहब जी के पास, क्योंकि उनका माता जी का ब्लड कैंसर डिटेक्टेड हुआ है अभी जनवरी। गुड, तो उसके बारे में उनका क्या क्या बेनिफिट हुआ है वो बोलेंगे। हम तो जनवरी 6 तारीख को डिटेक्ट हुआ था हमारा वो भी रिएक्शन हुआ। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हेलो सुन रहा हूँ, आपका आवाज आ रहा है। वो तो रिएक्शन हुआ। हेलो, आपका आवाज आ रहा है यहाँ? हाँ आपका आवाज हमको आ रहा है। आपका आवाज आ रहा है। जनवरी 18 को डिस्चार्ज हुए। गुड, फिर हम एडमिट हुए फरवरी 18 को। ओके, इतना का रिएक्शन होने से हमको आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ा था। ओके, तो लेकिन उसके बाद हम ट्रीटमेंट वहां से नहीं लेंगे, इसलिए घर को लेके आ गए। आई थिंक आपका मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा शायद डिस्कनेक्ट हो गया वो। ये जावेद वानी, इन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। ठीक है जावेद जी बताइए। हेलो सर। हाँ सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? जे एंड के, कश्मीर से सर। ओके ओके। हाँ जी सर, मेरे पास सर पेशेंट है क्या सर? हाँ, डॉक्टर ने बताया सर उसका लिवर प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन उसके जर सर कमर से नीचे सेविलिंग हो रही है सर, पैरों में टांगों में सर हुआ है उसका। कमर के नीचे क्या नहीं हो रहा है? मतलब उसके टांगों में सर, पैरों में पूरा सेविलिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए लिवर का प्रोटोकॉल मैं बता दूंगा करेक्टली वो करना है, नहीं तो मतलब दवा जो भी है वेस्ट हो जाता है। लिवर इज यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी दिखा दूंगा इसको जो है। वापस कैसा आएगा? इधर है ना। हाँ देखिए, ये जाइए लेवर आइए सर, स्क्रीन शेयर। हाँ ओके स्क्रीन शेयर। ओके सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हाँ यस स्क्रीन शेयर कर रहा। अभी कहाँ? हाँ अभी ट्रीटमेंट में जाइए, एंड इतना आसान है मैं यू कैन नॉट इमेजिन। अभी लिवर में लिवर एनलार्जमेंट या वेनस इन्फिल्ट्रेशन या क्रॉनिक, ये इसमें लिवर एनलार्जमेंट इसमें जाइए, या फैटी लिवर, दो एक ही प्रोटोकॉल है, या इंग्लिश हिंदी व्हाट एवर यू वांट, इंग्लिश जाइए। आ गया देखिए, इतना डिसीजेस के लिए एक ही प्रोटोकॉल है, मतलब लिवर इज अ पावर हाउस। लिवर को ठीक करे तो आप अपने ही ठीक हो जाएंगे। कभी भी आपको इमेजिन नहीं कर सकता है, तुरंत बाल व्हाइट नहीं होगा लिवर ठीक रहे तो। सेकेंडली
इवन बाल्डी रहे तो बाल आ जाता है लिवर मतलब को बैलेंस करे तो. सो मॉर्निंग एंटी एजिंग लिवर सपोर्ट रीनल केयर 15-15 ml मिक्स करना पी लेना दोपहर में कार्डियोवैस्कुलर ये एडिशनल इसका हुआ तो प्लेटलेट इंक्रीज होगा एनीमिया रहे तो ठीक हो जाएगा फैटी लिवर लिवर सिर ये सारे ये डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है डाइट मैं इसलिए मैं लिख दिया है अवॉइड लिखे तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या है अवॉइड करना है ना एक दिन अवॉइड करेंगे कालिया मटन या दारू पी लिया सो इसलिए मैं इसमें लिख दिया कि पॉइजनस फूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अभी स्कार हुआ है गाय हुआ है मतलब फाइब्रोसिस हुआ है उसको आप नॉर्मल करना है सिरोसिस का मतलब क्या है लिटरली स्पीकिंग पत्थर जैसा हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है सो ऑटोमेटिकली वाटर एक्युमुलेशन पेट में हो जाता है कभी कभी वाटर भी निकलता है लेकिन हमको ऐसा ऐसा पेशेंट जनरली हमारा पास में जो आता है जो ऑल मेडिकल साइंस में उनको ठीक नहीं हुआ देन गूगल में जाकर के सर्च करता है इनक्यूरेबल वर्ड यूज करता है ऑटोमेटिकली आकर के सम्मो मोबाइल नंबर लेकर के आ जाता है सो इसलिए मैं क्लियरली लिखा है ऑयल्स एंड फैट्स 100% नहीं खाना है मोर देन 5 ग्राम सॉल्ट नहीं खाना है 1 लीटर का पानी का ज्यादा नहीं पीना है वही किडनी है फ्रूट जूसेस वगैरह एरेटेड ड्रिंक अल्कोहल नहीं लेना है टेंडर कोकोनट वाटर वो सारे चीज बनाना फ्रूट नहीं लेना है और ग्रीन ग्राम मतलब चना दाल और ये ग्रीन ग्राम हिंदी में क्या है मूंग दाल यही दो यूज करना है और उसके बाद में राइस और चावल के अलावे दूसरा ज्वार वगैरह नहीं यूज करना है सो ये सारे चीज इसमें लिखा है एंड ये फॉलो करे तो 1 महीने में ही रिजल्ट देख सकता है एंड अगेन क्वेश्चन आएगा कि उसके बाद में डाइट में क्या डाइट कंटिन्यू करेगा नॉर्मल होने के बाद में एक्सेप्ट अल्कोहल किसी को अल्कोहल का वजह से लिवर प्रॉब्लम हुआ तो कभी भी जिंदगी में अल्कोहल वो नहीं पीना है सो बताइए जावेद जी मेरा मतलब है कि क्या उसको वो रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं अभी तक हम देखा है एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट ऑफ 10 केसेस 1 तो नहीं रिकवरी होता है लेकिन आंख बंद करके वो सोचना है कि मैं ये डाइट फॉलो किया है ना ही किया है इंपॉर्टेंट है मटन को नहीं चुना है उस पर्टिकुलर पीरियड में एंड और चिकन ले सकता है और विदाउट ऑयल प्रिपरेशन करना चिकन फिश एंड लिटरली स्पीकिंग डाइट इज नंबर 1 वो फॉलो नहीं करे तो उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आएगा लेकिन हम जो देखा है मर जाएगा ऐसा जो कहा था एक टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में बैंगलोर सो ऐसा पेशेंट्स भी ठीक हुआ है एंड एक बच्ची 6.9 ईयर उनका सो उनको कहा दिया था कि लिवर ट्रांसप्लांट होना है एंड 18 लाख रुपीज कोई पैकेज भी कहा था 16 लाख प्लस मेंटेनेंस वगैरह 18-19 लाख सीएम फंड के लिए सीएम का आदरणीय सीएम का ऑफिस गया और उन लोग एक बार ये ट्राई कीजिए सो 1 महीना में ही उनका रिजल्ट आया था हमको मतलब टेस्टिमोनियल भी दिया और उसको हांक वगैरह जो येलो इस्ट आता था पेट में पानी भरता था वो छोटा बच्ची है सो 1 महीना में ही पानी भरना खत्म हो गया एंड वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया इन लोगों वेजिटेबल वेंडर से गरीब फैमिली का है सो इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए देखिए देर इज एक्ट मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट उसमें कोई भी नहीं कह सकता कि मैं 100% क्यूर करूंगा सो दैट इज अगेंस्ट द लॉ ट्राई करना है ट्रीट करना सर सेकंड क्वेश्चन है सर अगर कोई पेशेंट 2 साल से डायलिसिस पर चल रहा है उसको वो रिकवर हो सकता है वहां से सर ये सभी लोगों को मैं एड्रेस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एक्सपीरियंस में अप टू 4 इयर्स जो डायलिसिस वाला डायलिसिस से बाहर गया अप टू 4 इयर्स 4 इयर्स का ज्यादा जो डायलिसिस में है उन लोगों रोज कब मरेंगे जिंदा क्यों रहना चाहिए ऐसा होने बोलने वाला बोलेगा नहीं और भगवान हमको जिंदा दीजिए देन वो गाड़ी ड्राइव करने लगेगा सारे एनर्जी लेवल इंप्रूव हो जाएगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाएगा
लेकिन चांसेस वो भी डायलिसिस से मुक्त हो सकता है। एंड बीपी का वजह से जो किडनी फेल्यूर है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, उन लोगों बहुत फास्ट रिकवरी हो जाता है। जो आदमी क्रॉनिक डायबिटीज वजह से हो जाता है, उन लोगों थोड़ा स्लो होता है। सो इवन ऑटो इम्यून डिसीज IgA नेफ्रोपैथी का जो है, उन लोगों को डायलिसिस से बाहर हो गया। आई थिंक 2 साल या 3 साल से ये बेंगलुरु में ही है, एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है। सो उन लोगों किसी का थ्रू मतलब आया लिया, एंड अभी शी इज नॉट ऑन डायलिसिस। अभी क्रिएटिनिन लेवल 4.5 है, एंड वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल होकर नहीं 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 करना ही है, लेकिन उनका फैमिली फ्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रॉम बैंगलोर, वो कहा ये सिम्टम्स नहीं रहे तो करने का जरूरत नहीं। क्या सिम्टम नहीं रहना चाहिए? एक है लंग्स में वाटर एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, नंबर टू लेग्स में स्वेलिंग नहीं आना चाहिए, नंबर थ्री यूरिन प्रॉपर फ्लो होना है। सो देन हुआ तो 4-5 भी रहे तो क्रिएटिनिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एंड नाउ शी मेंटेनिंग बिटवीन 4-5 एंड नॉर्मल फूड खाते ही एंड विथ ऑल द डाइट एंड ओनली फिश, कभी कभी विथ कोकोनट भी, उन लोगों मैंगलोरियंस है सो कोकोनट मिक्स करके भी खाता है कभी ऑकेजनली खुशी के लिए। क्योंकि कोई आदमी जो है डायलिसिस करना एक नरक है, 4 घंटा सोना पड़ता है, अगेन कोई आदमी ले जाना पड़ता है, अगेन वापस ले आना पड़ता है, अप टू 70 ईयर्स नो प्रॉब्लम, 70 का बाद में रोज मरना ही है, इट्स लाइक ए नरक है एवरीडे। सो इसलिए मुंह को जब तक ठीक नहीं रखे तो ये ठीक नहीं होता। मैं पहले ही बोल देता हूं, मैक्सिमम हमको पेशेंट्स आता है हमको कंसल्ट करने के लिए किडनी एंड कैंसर। मैं किडनी के लिए डायरेक्टली बोलता हूं, पहले आपको मुंह ठीक रखिए, देन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा एंड बहुत प्रॉब्लम्स। सो मुंह को ठीक नहीं रहे तो नहीं सीखिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। ऑलरेडी खाली है इतना साफ, और भी क्यों है? सो ये नहीं कि खाने के लिए मैं जिंदा है, सो देन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो इसलिए आई हैव डिफाइंड द फूड फॉर द किडनी पेशेंट्स एज अ इन्वेंटर। कोई वर्ल्ड में ग्लोमरुलस कैपिलरी फिल्टर्स डैमेज हुआ तो कोई साइंस नहीं है, लेकिन उसी साइंस को मैं ये किया है, मतलब है सोल्यूशन ऐसा। एंड नाउ आई एम हैविंग एन नंबर ऑफ पेशेंट्स रिजल्ट्स, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो टाइम। उसका मेडिकल जर्नल से आर्टिकल्स अभी तक मतलब नहीं आया, बहुत डॉक्टर्स लिख रहा है उसको। सो यही चीज है, लेकिन इतना ही है कि प्रैक्टिकली वन कैन सी द रिजल्ट्स। एंड इसमें 100% कोई मेटल्स नहीं एंड कोई मिनरल्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, सो 100% हर्ब्स है। एंड एक बार शुरू करे तो किडनी पेशेंट नहीं छोड़ेगा इस दवा को, इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना मतलब उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो जावेद जी बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हेलो रंजन जी आ गए हैं ऑनलाइन फिर से। आप बताइए विकास रंजन जी, डॉक्टर सर एक पेशेंट आ गया, उसके बैठे हैं सारे यहाँ पर। ओके तो एक मिनट देखिए, यू आर ऑल लाइक यू नो रियल एंजल्स, क्योंकि बहुत आदमी बीमारी आने के बाद में साइकोलॉजिकली डेड होता है। अभी डॉक्टर साहब इज अनदर एंजल टू प्रेजेंट द पेशेंट, वंडरफुल सर जी। तो डॉक्टर है वो तो 22 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, उनका खुद का क्लिनिक है। वेरी गुड। वो हमारे मिरेकल डेज को कम से कम स्टार्टिंग जब मैं स्टार्ट किया हूँ मेरे साथ से बहुत लोगों दिए हैं, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट भी पाए हैं, और अभी उनका खुद का माँ का जो ब्लड कैंसर का अभी वो आए हैं बोलेंगे, अभी खुद बोलेंगे। ओके सर बोलिए। गुड इवनिंग सर, अगेन गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, यू आर रियली एंजल। अभी आपका कोविड को ही आप मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब अर्पीस
एंड एचआईवी के लिए अच्छा हो रहा है, कैंसर के लिए अच्छा हो रहा है, इट इज ऑल इम्यूनिटी यू नो अनाउंसमेंट करने का वजह से ही वो होता है. सो इट्स अ प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स है, इसलिए उसमें भी आप मदद कीजिए सोसाइटी को. मतलब आप एक भगवान का स्वरूप, ऑलरेडी डॉक्टर सर भगवान का स्वरूप है, सो इसलिए. और बताइए, जो कोविड बोल रहे हैं, कोविड में क्या क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? हाँ वेरी गुड, अभी देखिए. हेलो, हाँ हाँ यस, मैं दिखा दूंगा कोविड के लिए क्या देना है. वंडरफुल, ठीक है. एक सेकेंड, देखिए ये जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जाना है, इम्यून सिस्टम बूस्टर, ये इधर इम्यून सिस्टम बूस्टर खोलना, इम्यून सिस्टम बूस्टर फॉर बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस, ऑल्सो असिस्ट पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड अर्पीस एंड एचआईवी, बिकॉज आई नेवर यूज कोविड. कोविड यूज करते जब तक मैं नहीं देखा है, अननेसेसरी यूज करना इट्स एथिकली इट्स नॉट गुड. सो इसका यूज करे तो क्या क्या एडिशनल बेनिफिट है, साइंस बिहाइंड कैसा है, साइंस बिहाइंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, मैं इंग्लिश में खोल दूंगा. देखिए, मॉर्निंग एंटी एजिंग एंड इम्यून केयर, मॉर्निंग एंड इवनिंग एंटी एजिंग इम्यून केयर, आफ्टरनून कार्डियोवैस्कुलर केयर, सेम प्रीबायोटिक्स एंड फ्लैक्स डाइट, सेम थिंग, दैट्स ऑल. एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. आई डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज आई एम बींग एन आईएएस ऑफिसर, नेक्स्ट ईयर में रिटायर, सॉरी नेक्स्ट मंथ रिटायरमेंट हो रहा, आई कैनॉट टेल विच इज नॉट हैविंग इन माई हैंड. अभी मान लीजिए कोविड का मैं किसी को ट्रीटमेंट किया, हाउ कैन आई टेल, दूसरा आदमी बोल सकता है, बट आई कैनॉट स्पीक. तो इसलिए दिस इज द प्रोटोकॉल विच आई हैव डिफाइंड फॉर द इम्यून सिस्टम बूस्टर. सो यू कैन सी, मैं एक ही मैं पॉइंट बताऊंगा, आज किडनी पेशेंट्स वगैरह आकर के कोरोनरी हार्ट डिसीज वाला, हमसे बहुत बड़ा उम्र है, बहुत बड़ा बड़ा आदमी हमको प्रणाम करके जाता है, हम ही को मतलब ये आता है, नहीं नहीं सर मैं प्रणाम करना ही है, आपका पैर चुना ही है, आप ही भगवान है. हम सोचे थे मर जाएंगे, स्पेशली लको पेशेंट्स वगैरह. सो दैट्स वाई यू कैन बिकम सी, हमारा बैचमेट जयंती जी है, शी इज यू नो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ इन गुजरात, शी हैज डन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क आयुष मतलब डॉक्टर्स के साथ में, इट हैज कम इन द न्यूज़पेपर आल्सो. सो इसलिए कुछ ना कुछ आदमी जब तक मतलब इसका मतलब एज ए फैशन लेकर के समाज के लिए नहीं सोचे तो ये नहीं होता है. आई हैव डिफाइंड इट वेरी क्लियरली, क्योंकि इवन थाईलैंड का पेशेंट्स एचआईवी पेशेंट्स ले रहा है, एक्सट्रॉन रिजल्ट्स आ रहा है. एंड अर्पीस, आपको मालूम है अर्पीस सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग भी होता है एंड अदर्स भी होता है. इवन वन डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, उनका वजह से द वाइफ हैड अर्पीस वजन लो ये, एंड 100% क्लियर हो. सो आई हैव सीन यू नो लॉन्ग बैक 2014-15 में. सो इतना मदद हो जाता. और आपका माँ से बात कराइए. अच्छा, माँ से, ठीक है, तो मैं आज उनको लेके जाता हूँ आपको. या नहीं तो नहीं, एज यू लाइक, लेकर के जाए तो ठीक है, बात करें. देखिए, गुड, नमस्ते जी, अपने आप खड़े हो रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रियली ग्रेट Great, wonderful, excellent, excellent. अभी मार्च 31st, हाँ मार्च 31st को हम जबरदस्ती घर को लेके आ गए. Good, very good, very good. Hello, hello. Hello, हाँ सुन रहा. हाँ माँ, मतलब वहाँ पे आईसीयू में 41 days रखने के बाद मैं ऑटोमेटिकल लेके आ गया उनको. यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, मैं घर को लेके जा रहा हूँ. ठीक है, जितना भी मेरा पैसा दिया सब ले लिए. ठीक है, वंडरफुल. और घर को आने के बाद, घर को आने के बाद पूरा आईसीयू फैसिलिटी करके मैं रखा था उनको 1 महीने पूरा. ओके, जो कार्डिया का दवाई था उसके साथ मैं 1, 4, 5, 7
एंड कार्डियोवास्कुलर 3 और 6 ये दे रहा हूँ बस। ग्रेट, रियली ग्रेट। इतने में आज देखे हालत क्या है। वंडरफुल, वंडरफुल, रियली यही चीज है ना। सी ऑलवेज यू नो रिजल्ट डेमोनिस्ट्रेशन विल गिव्स मोर एंड मोर यू नो करेज पेशेंट्स को एंड डॉक्टर को, एंड दोनों को एक ये होता है, ग्रेट इम्पेटस होता है कि इससे ये हो सकता है, इसको हम लोग कर सकते हैं इत्यादि। वंडरफुल। अभी मतलब हर 10 दिन में हम ब्लड देते थे, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था। अभी लास्ट ट्रांसफ्यूजन June 2 को हुआ था, अभी तक हुआ नहीं, अभी 10.4 मेंटेन है। ओ वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, एक्सलेंट एक्सलेंट। एंड ये भी मतलब अलसी का मट्टा फ्लैक्स डाइट भी दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिए तो भी कोई ये नहीं। नहीं दही, दही दे रहे हैं ना। ओके, फ्लैक्स दे रहे हैं, फ्लैक्स सीड्स के साथ में दे रहा है मतलब। हाँ अच्छा, फ्लैक्स सीड तो नहीं, खाली दवाई खाली से हुआ है, किसी को और ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड, खाली दवाई दे रहा हूँ। हाँ इसलिए कार्ड दे रहा हूँ, कार्ड कार्ड कार्ड, वेरी गुड वेरी गुड। सर जी यहाँ पर जी सर का जो क्लिनिक है, आप देखिए यहाँ पर ये जो क्लिनिक है, यहाँ पर भी प्लानिंग चल रहा है, बाहर से ये दिखा रहा हूँ चल रहा है कि यहाँ पर स्पेशल लगा जाएगा किडनी और कैंसर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, प्लानिंग चल रहा है। थैंक यू विकास रंजन जी, वंडरफुल, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो बता दे। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग यू नो सच ए गुड न्यूज, वंडरफुल। अशोक कुमार पटनायक, इन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। जी अशोक जी, अशोक जी बताइए। जी सर, हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हां बताइए। सर मैं पिछले साल 2019 में जुलाई में मेरा पेट थोड़ा लेफ्ट साइड में दर्द हुआ, तो मैं थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज थोड़ा जोर से। सर पिछले साल जुलाई में मैं 2019 में मेरा पेट में दर्द हुआ, तो मैं गया था डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर उन्होंने एंडोस्कोपी किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा फूड पाइप में स्वेलिंग है जो वेरिसेस, तो बाद में बोला कि ये लीवर का चलते हुआ है, तो लीवर के चलते हुआ है, तो ये उसका जब टेस्ट हुआ तो ये बोले कि CLD है। तो मैं अल्कोहल भी नहीं हूँ और वेजिटेरियन भी हूँ, तो इसका मैं पता चला कि एलोपैथी में इसका कोई ये नहीं है, तो मैं आयुष में गया था, वहीं से मेडिसिन खा रहा था, तो आपका वहाँ से मैं अभी 1 हफ्ता हुआ आपका लीवर सपोर्ट खाली सुबह में ले रहा हूँ 15 ml, तो इसका प्रॉपर हमको तो बताइए कि कैसे ठीक होगा। नहीं अभी मैं ऑलरेडी मैं दिखा है और एक बार दिखा दूंगा। सी ये ऐसा मैं वेबसाइट बनाया है, एंड एनीबडी कैन बिकम डॉक्टर विद इन नो टाइम। देखिए ये जो ट्रीटमेंट सेगमेंट जाइए, ट्रीटमेंट सेगमेंट ये आ गया, लीवर आया जी, और इसमें लीवर सिरोसिस ये आया, लिवर स्टेटिक क्लिक कीजिए, एंड इसमें आपको लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश? दोनों चले, हिंदी भी इंग्लिश दोनों है। ओके इंग्लिश क्लिक करेंगे, सी इधर ही है, आप आराम से इतना डिसीज के लिए, रैशेस हो, बॉडी में इचिंग हो, सबके लिए मॉर्निंग नीम एंड पीपल का जूस एंड एंटी एजिंग लीवर रीनल सपोर्ट 15-15 में मिक्स करके पानी करके एक ही बार 15-15 ml मिक्स करना, और पानी ऐड करे तो करना, नहीं तो ऐसे ही पी सकता। और उसके बाद में प्रीबायोटिक एंड फ्लैक्स ड्रिंक एंड केला का डंटा का रस एंड मिले तो सो मिले, बट मिले तो लिए तो बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा। आफ्टरनून कार्डियोवैस्कुलर, इवनिंग ये, एंड ये भी मैं आपको बताएंगे, डाइट करके कुछ भी ना करके सिर्फ दवा लिए तो भी काम हो जाएगा। अभी जो जो डॉक्टर साहब जो कह रहा था विकास रंजन जी का साथ में, जो अभी उनका माँ को ब्लड कैंसर के लिए कुछ नहीं दिया है, ओनली दवा दिया है, एंड इसीलिए
लेकिन हमारा कहना है कि ये प्रीबायोटिक प्रोवाइड है तो अच्छा होगा आपका बॉडी के लिए, और ये फूड इसका जो है ये करना है, मतलब क्या कहता है, कंट्रोल करना है, ये डाइट, ये इम्पोर्टेंट। डाइट क्या है सर? इसमें लिखा है ऑयल्स एंड फैट्स 100% नहीं लेना है, 5 ग्राम का ज्यादा सॉल्ट लेना है, 1 लीटर का ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो ड्यूरिंग द कोर्स तो आप सर सॉल्ट पानी सॉल्ट नहीं लिए तो पानी ज्यादा नहीं पिएंगे जी, सो ऑटोमेटिकली आपका मतलब पूरा मतलब ठीक हो जाएगा, वंस ठीक होने के बाद में नॉर्मल पानी पी सकता है जी जी। सो इसलिए सो इसका आप कहां से बोल रहे हैं? भुवनेश्वर से बोल रहा हूं सर। भुवनेश्वर से? और विकास रंजन जी वो पूरा वो एडवाइस करेगा या कौन बताएगा ये अटेंड करने के लिए ये पीयर लर्निंग? तो विकास रंजन जी से हम भेंट कर सकते हैं? भेंट कर सकते हैं, उनका नंबर आप दे दीजिए विकास रंजन जी, डॉक्टर साहब से वो भी चेक कराएगा जी। नंबर है विकास रंजन जी? नहीं तो मैं एक नंबर दे दूंगा, नोट कर लीजिए जी, 9108 9108 99 6001 हरीश 6001 हरीश जी है, हरीश जी, या नहीं तो मिस्टर सौरभ सिंह जी है 9108 99 2566 को बहुत बिजी रहता है, सो इसलिए देख लीजिए दोनों नंबर में, किसी को आप SMS कीजिए सारे प्रोडक्ट आपको बता देगा ठीक है। अच्छा इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं खाना है? बिल्कुल नहीं खाना। और ये देखिए मैंने छोड़ने में क्या दिक्कत है बताइए ना। नहीं ठीक है, हम वैसे कंफर्म कर रहे हैं। और पानी 1 ही लीटर पीना दिन भर में? 1 लीटर पिसाब यूरिन अच्छा आता है फ्लो जी जी, एंड ये पैर वगैरह सूजन नहीं है ना? नहीं नहीं है, नहीं है सर। नॉर्मल पानी जी, नॉर्मल पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, पानी पी सकते हैं, जितना जरूरत है उतना पी लीजिए, ज्यादा नहीं पीना है, दैट्स ऑल जी जी जी। कुछ लोग सुबह जरूरत भी नहीं तो मैं 1 लीटर पानी बोल दिया कोई यार नहीं पीना है, 2 लीटर पानी पीना, दैट्स रॉन्ग, उतना शरीर आप करेगा उतना। अच्छा, ये प्रीबायोटिक और ये कब लेना, मेडिसिन का पहले कि बाद में? सारे चीज लिखा है, उसका नंबर भी दिया है, सारे आपको बता देगा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, ओके थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चंस रहे तो? ओके सर, ये श्री दर्शन जी ये कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते सर। ये वीडियो ना दयवित यूट्यूब हाकि बड़ा, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ದು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ। ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಸರ್। ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್, ವಿತ್ ಗೋಪಾಲ। बताइए राजेश कुमार राजू जी, आपका कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है ये? हाँ जी, आर के रंजन जी कुछ पूछ रहे थे जी, पूछिए रंजन साहब, अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट। गुड इवनिंग सर, मुझे सरदर्द रहता है सर, साइनस है सर, 1986 से। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रहा है, बताइए ना सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं वैसे बिहार से हूँ सर, वैसे प्रकटा मैं झारखंड से बात करता हूँ, डॉक्टर अखिलेश भारती के ग्रुप टीम से सर। ओके तो मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मेरी बच्ची छोटी सी है, 5 साल की है सर। 5 साल का? 5 साल की मेरी बच्ची है, तो वेट बीपिंग बार बार हो जा रहा है, काफी परेशान है हम लोग, उसकी वेट बीपिंग रुक जाता है, बड़ी होने के बाद और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो से ठीक हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, आप बाद में डॉक्टर साहब से बोल दीजिए क्या कैसे लेना है। 1-3-7 मॉर्निंग एंड इवनिंग आधा आधा चम्मच, आफ्टरनून 4-5 आफ्टरनून 4-5 मॉर्निंग 1-3-7 इवनिंग 1-3-7 आफ्टरनून 4-5
एंड रिमेनिंग सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए फॉलो कीजिए एंड हमको डॉक्टर साहब को बाद में बोलना है कितना इंपैक्ट फर्स्ट वीक कैसा हुआ सेकेंड वीक कैसा हुआ क्योंकि वो डॉक्टर अखिलेश जी सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत करता है सो इसलिए ठीक है थैंक यू एंड मिस्टर राजेश कुमार राजू जी बताइए आप म्यूट कीजिए अनम्यूट कीजिए अनम्यूट की बताइए हेलो हाँ वॉइस क्लियर है बताइए जी सर मुझे साइनस का प्रॉब्लम है सर 1986 से तो मैं जनवरी से जो मेडिसिन 5 तरह का चूंकि कई तरह का डिजीज था मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था मुझे प्रोस्टेट बढ़ गया था तो 5 तरह का दिया था 3 महीना मैंने लिया उसके बाद अभी वॉइस क्लियर नहीं और वॉइस और एक बार बताइए एक कार्डियोवैस्कुलर ये 3 ले रहा हूँ लेकिन सरदर्द अभी भी मुझे वो सप्ताह में एक बार हो माइग्रेन टाइप का जा रहा है दवाई ले रहे रेगुलर 5 महीना से नहीं अभी मतलब क्या क्या ले रहे हैं सुबह शाम को क्या ले रहे हैं मल्टीपल प्रॉब्लम जो था आपका सुबह ले रहे हैं एंटी एजिंग और कार्डियोवैस्कुलर और शाम में ले रहे गैस्ट्रो आप ऐसा कीजिए सुन लीजिए आप ऐसा कीजिए मिस्टर सौरभ सिंह जी से आप बात कर लीजिए एंड और कोई मतलब करेक्टिव मेजर्स चाहे तो हमसे बात करके ले लेगा क्योंकि आपको वॉइस हमको क्लियर नहीं आ रहा अभी वॉइस आपका बंद हो गया वॉइस क्लियर नहीं है राजेश कुमार वॉइस आपका क्लियर नहीं है ठीक है और कोई दूसरा हेलो सर हाँ हाँ बताइए प्रदीप कुमार जी नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार सर हाँ नमस्कार बताइए सर एक्चुअली इसी जी सर सर तो अनगुल से बोल संजय सर का टीम से अनगुल से सर बोल रहा हूँ संजय सर का टीम से हाँ वेरी गुड बताइए ना सर सर इसी सेशन में एक हम लोग सर अभी सीखने के लिए मिल रहे हैं तो इसी सेशन में सर इम्यून केयर आप बोले थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे देखिए एंटी एजिंग इम्यून केयर एंड गैस्ट्रो केयर उसके लिए कोई मतलब डाइट की जरूरत नहीं कुछ नहीं एंड इवन आप लोगों सिर्फ इम्यून केयर लिए तो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आता है बॉडी इम्यूनिटी कॉफ रहे तो फीवरिश रहे तो इम्यून केयर सुबह और शाम को लिए तो भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आता है सो इम्यून केयर आप लोगों मतलब प्रमोट कर सकता है ये 2015 में ही ये जो आयुष डिपार्टमेंट उसको लाइसेंस दिया गया है इम्यून केयर को अभी कोविड बनाने के बाद में उसको लाइसेंस नहीं लिया है वो लाइसेंस में पहले ही डेवलप कर चुके थे फॉर कैंसर के लिए लेकिन वो कैंसर का नाम पर एंटी कैंसर ड्रग का नाम पर नहीं दिया इम्यून केयर का नाम पर लाइसेंस दिया सो इतना इम्यूनिटी का नंबर 1 उसका जो रिजल्ट्स आता है सर क्लियर हुआ प्रदीप जी 15 और एक बात है सर जी 15 ml सुबह 15 ml शाम को लिए तो भी बस सर 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 और एक बात है आप लोगों टेस्ट करना है किसी को मतलब कॉफ है या फीवरिश है कितना फास्ट रिजल्ट आता है आपको मन खुश हो जाएगा पैरासिटामोल लेने का जरूरत नहीं ये जो है आई वाज इन ये अबू धाबी में एक कुछ कार्यक्रम तक गए थे 2016 में एंड उसमें एक एग्जीबिशन में गए थे और एग्जीबिशन में एक जेंटलमैन जो था वो मैं एक दिन लेट से गए आई वाज इन हांगकांग में कुछ ये था मतलब अवार्ड सेरेमनी उनसे डायरेक्टली अबू धाबी गए थे हमारा जो प्रोडक्ट का उधर जो एग्जीबिशन में था
वो बगल का वाला 3 दिन से फिवरिश था उनको, ये इम्यून केयर देख करके ऑटोमेटिकली 2 कैप उसका रात में पी लिया। सो नेक्स्ट डे जब हम गए तो बोल रहे थे सर इम्यून केयर हमको मतलब फिवरिश से दूर किया ऐसा। सो मतलब इतना अच्छा मतलब काम करता है इम्यून केयर। सर इम्यून केयर में सर जो उसका दाग इसी से सुने सर उसके बारे में और थोड़ा सा सर बताए, क्लियर नहीं हो पाया। देखिए इम्यून केयर पिंपल रहे तो पिंपल में कुछ गाय रहे तो वो क्लियर हो जाता है इम्यून केयर से, नंबर वन। नंबर टू इम्यून केयर से कॉफ रहे तो फीवरिश रहे तो क्लियर हो जाता है। एंड इम्यून केयर के साथ में कार्डियोवैस्कुलर भी लिए तो सुबह एंटी एजिंग इम्यून केयर सुबह और शाम को, कार्डियोवैस्कुलर करे तो हर्पीस और HIV वाला पेशेंट्स को भी अच्छा रिजल्ट आया है। अभी मैं वही डॉक्टर साहब को बोल रहे थे विकास रंजन जी का जो डॉक्टर सर कि डॉक्टर अर्था सर अर्था साहब को कोविड में भी उसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। सो पेशेंट थैंक यू तो ऑटोमेटिकली कल्याण हो जाएगा, उसमें भी रिजल्ट्स आए तो ये मैं कह रहे थे। ठीक है सर सर थैंक यू वेरी मच सर। हेलो सर। सर जो गॉड ब्लैडर में सर सिटोनस होते हैं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है इसमें सर? ऐसा सुपर है अभी दिखा दूंगा देख लीजिए गॉल ब्लैडर का स्टोन के लिए। देखिए इसमें जाना है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इधर जाइए गॉल ब्लैडर स्टोन उधर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में ओपन हो जाएगा। हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए? इंग्लिश चाहिए सर। इंग्लिश खोल दीजिए। देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन, ये गॉल ब्लैडर स्टोन ट्रीट करे तो लिवर फैटी लिवर सिस्टिन लिवर लिवर सिरोसिस किडनी स्टोन ये सब ठीक ठीक हो जाता है। साथ साथ में हार्ट का भी कुछ इश्यू रहे तो वो भी नॉर्मल हो जाता है, इतना पावरफुल है ये ट्रीटमेंट। एंड इसमें केला का डंटा का रस लिए तो और फास्ट रिजल्ट आ जाएगा। मैं कहता हूं ऑलवेज 6 महीना, किडनी स्टोन ऑफकोर्स 1 महीने से 3 महीने में क्लियर हो जाता है, ये 6 महीना। लेकिन डॉक्टर अखिलेश भारती जी जो पेशेंट्स को ट्रीट किया कोडरमा में सबको 1 महीना 2 महीने में क्लियर हो रहा है, हमको आश्चर्य लगता है। लेकिन मैं जो ट्रीट किया है बेंगलोर में उन लोगों को थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, यही चीज है। क्लियर हुआ? ये सारे इसको पढ़े तो हर चीज मतलब जानकारी हो जाएगा। सुबह 1:45 सेम लीवर ट्रीटमेंट का है, वो गॉल ब्लैडर का वही प्रोटोकॉल। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? एनीवे थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन नहीं रहे तो सर एक क्वेश्चन था सर। हेलो बिग ग्रुप यून बताइए। हेलो हाँ बताइए। हाँ सर बोल बोल सर रवि। हेलो हाँ बताइए ना आ रहा है सर। एक्जिमा एक पेशेंट है सर जिसका एज नियर अबाउट 75 ईयर्स हो रहा है और उसको एक्जिमा है, मतलब कि शरीर काफी नोचते रहता है। वो पिछले लगभग 10-15 साल से जो है ट्रैकोट 40 इंजेक्शन लिया करते हैं। ट्रैकोट 40 किसी डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था, दिखाए थे वो, तो प्रत्येक 2-3 महीना पे एक ट्रैकोट 40 वो इंजेक्शन लेते हैं और उसके बाद क्या है कि उनका एक्जिमा मतलब इस कदर है ना कि पूरा शरीर नोचते रहता है उनको। कहाँ एज उनका 75 समझ के पास है। कहाँ से बोल रहा है? सुपौल त्रिवेणीगंज सर, सुपौल से बोल रहे हैं सर। ओके देख लीजिए सुपौल से। ओके सुपौल वेरी गुड। अभी देख लीजिए ये ट्रीटमेंट में जाइए, ये लिवर रिलेटेड है, ये लिवर में और इसमें भी है, इसमें भी बॉडी इचिंग लिखा है एक्जिमा, बॉडी इचिंग में भी जा सकता है या लिवर में भी आता है बॉडी इचिंग। और ये बोलिए सेम गॉल ब्लैडर स्टोन को जो बोले था वही प्रोटोकॉल है। आप जो है 1 सप्ताह से 1 महीना का अंदर उनका इचिंग खत्म हो जाएगा, इवन 15-20 साल रहे तो भी। मैं अथॉरिटेटिवली में बोलेंगे, मैं कितना पेशेंट्स को अभी तक दिया है
इसका बॉडी चिंका मतलब खुजली का सबको 100% रिजल्ट आया, यही चीज है। सुबह एंटी एजिंग, लिवर केयर एंड रीनल केयर, इसको तीनों को मिला करके लेना है, और दोपहर में कार्डियोवैस्कुलर लेना है, और शाम को सेम एंटी एजिंग लिवर सपोर्ट एंड रीनल केयर। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आ रहा है, कोई मतलब बॉदरिंग करने का। मॉर्निंग मॉर्निंग में क्या क्या बोले सर? मॉर्निंग में एंटी एजिंग लिवर सपोर्ट रीनल केयर अभी इसमें लिखा है AI 145 एंटी एजिंग लिवर सपोर्ट रीनल केयर, ये तीनों मिला कर मॉर्निंग में सर, मॉर्निंग में 145 लेना है। हाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग। अच्छा आप लोगों को सबको नंबर बहुत याद हो गया लगता है, वेरी गुड। मॉर्निंग में 145 लेना है, दोपहर में सर? दोपहर में सिर्फ तीन, दोपहर में तीन लेना है, और इवनिंग में शाम को 145, इवनिंग में 145। और केला का डंटा मिले तो डंटा का रस ले लीजिए, और ये सारे चीज हो सके तो कीजिए, नहीं तो ठीक हो जाता। ठीक है, ठीक 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हाँ और कोई क्वेश्चन? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं लगता है। थैंक यू वेरी मच सबको, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली जो मार्केटिंग लीडर्स को भी, सभी डॉक्टर्स को इनवाइट करने के लिए एंड पेशेंट्स को इनवाइट करने के लिए इस मतलब पीयर लर्निंग वर्कशॉप में। सो नेक्स्ट हम लोगों टॉपिक में डिसाइड नहीं किया गया है, मैं सोच रहा हूँ जो थायराइड प्रॉब्लम के लिए डिस्कशन करने के लिए, थायराइड जो है स्पेशली विमेन्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। सो मैं फाइनल करके मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीक भी मंडे एट 7:30 हम लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।